Now see, reflection through glass now, of another glass. This is the airy medium, rarer medium. This one is denser medium, vacuum, medium number two. Now, when any incident ray, okay, now, it is coming from the airy medium, so now, at point of incidence, it will bend towards to the normal. So this is the incident ray, this is reflected ray, and when, again from this point, from denser to the rarer if it is coming, so it will always occur run away from the normal. So this is called the emergent ray. But when just you see, कौन सा ये वाला? अभी देखो वही बता रहा हूँ आपको, ये बिल्कुल ये और ये आपका ना, देखो बोथ विल बी पैरेलल, ये पैरेलल देखिए. एक्चुअल में व्हेन द इंसिडेंट रे इज कमिंग अप, ना देखो विदाउट स्लैब इट विल अपन आउट जस्ट गो आपका स्ट्रेट वे, बिकॉज देयर इज नो हिंड्रेंस ऑन द पाथ. पाथ में कोई भी उसका रुकावट नहीं है. लेकिन जैसे ही आपका देखो ना, यू विल कीप द ग्लास स्लैब ऑन इट्स पाथ. इसके ग्लास स्लैब आपके देखो ना, इसके पाथ में रख देंगे आपका नाम. सो ना दिस इंक्लिनेशन इंक्लिनेशन विल बी आपका नाम. और आपका देखो हाँ, ये देखो ना, ये देखो, तभी तो लेटरल वर्जन बनेगा. ये आपका इट वॉज डायरेक्टली कमिंग आपका हियर, बट द ग्लास स्लैब आपका यू हैव केप्ट ओपन. सो इट इज द एयरी मीडियम, वन मीडियम इज दिस वन इज द अनदर मीडियम. ये देखो तो ये आपका जब दूसरा डेंसर मीडियम आप रखेंगे तो ये दिस इज दिस राइट विच इज योर रिफ्लेक्टेड रे. आपका देखो बेंट टूवर्ड्स टू नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ आपका ये झुक जाएगा. लेकिन वेन इट विल कम अपन आउटसाइड ऑफ द स्लैब, सो नाउ ये दिस इज द नॉर्मल. So now it will go far away from the norm. So denser se lighter medium mein far away aur lighter se denser mein close. Exactly. He's from Delhi beti. Ye aaj aaye the aapka naam syllabus dikhane ke liye. Inki ek mahine ki chutti padi hai. He's in 11th class. Abhi he is waiting for his father. To dekho both the this is incident ray and this is the emergent ray. So both are parallel to each other. Is that clear? This is called the lateral, this is the displacement. It's called lateral displacement. Aayi samajh mein? So when a light ray comes from rarer to the denser medium, then it bends towards to the normal and again when this refracted ray now goes from denser medium to rarer, so it goes away, yeah, goes far away from the normal. This is
तो मीन्स द पाथ ऑफ इमर्जेंट रे इज स्लाइटली शिफ्टेड. जो इमर्जेंट रे है आपके ना तो शिफ्टेड हो जाती है आपका ना तो दस फ्रॉम द इंसिडेंट. इंसिडेंट से स्लाइटली आपका ना देखा दस. इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स दैट कि द पाथ ऑफ इंसिडेंट रे इज शिफ्टेड आपका ना टुवर्ड्स टू द इमर्जेंट रे. दिस इज एंड बोथ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड लेटरल दोनों पैरल इमर्जेंट और आपका अगर ये आपका पाथ डायरेक्ट आपका देखे इन दोनों में आपका पैरल हो गया आपका. सो दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट. और इसके लिए मैंने वही कहा था कि इस समय तो शॉर्ट में पढ़ रहे हैं आप सब, पुरानी वीडियोज का जरूर देखिए. क्लियर हो गया सर? दिस इज योर इंसिडेंट रे. देखो नो इट्स मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस. दिस इज आई. नाउ दिस वन इज आपका नाम. दिस इज द नॉर्मल. इसको आपका एन वन एन टू कर दीजिएगा. एंड दिस एंगल इज आर वन आर वन. दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे. एंड अगेन दिस इज आर टू. एंड दिस इज द ई एंगल ऑफ इमर्जेंस. इज इट क्लियर सर? फाइन. नाउ दिस इज इट्स योर medium one and this is medium two. Then sir medium is it clear sir? So now okay sir. So now let us take a glass slab PQRS. एक अपने glass slab आपका नाम देखो दे सुना ए पी क्यू आर एस आपने ले लिया ठीक है. And incident ray AB. ये देखो आपका incident AB आपका लगा ठीक है. Incident at surface PQ of glass slab at point B. और इस glass slab PQ RS के B point पे आपका क्या कर रहा है? ये फॉल कर रहा है पहले. इट इज मेकिंग एंड देखो एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहे अपना या इंसिडेंट एंगल एंगल भी लोग कहते हैं. इट इज मेकिंग एंड एंगल ऑफ या इट्स मेकिंग इंसिडेंट एंगल आई. देखो आई बना रहा है आफ्टर रिफ्रैक्शन. और रिफ्रैक्शन होने के बाद आपका देख रहे हैं आपका सर नाउ देखो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे बी सी. रिफ्रैक्टेड रे देखिए आपका ए बी सी आपका नाउ देखो दिस इज मेक्स एन एंगल ऑफ आर वन. ये देखिए आर वन is called angle of refraction. Okay, ठीक है ना? तो now देखो. तो now by Snell's law. Snell's के laws एक बार जरा मैं से एक बार दूँ. The refractive index RI आपका देखो ना of मीडियम टू. मीडियम टू क्या है? ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू
मीडियम वन, मीडियम वन व्हाट दैट इज द एयरिंग, ये आपका रियर आपका ऑर्गन जैसे कि, तो क्या हो जाएगा सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर वन, उसके बाद एक क्वेश्चन नाउ अगेन दिस रिफ्रैक्टेड रे, ये देखो दिस इज बी सी, नाउ रिफ्रैक्ट एट आर एस सरफेस एट क्लियर हो गया, तो ना एस अगेन इंसिडेंट रे फॉलिंग एट सी पॉइंट मेकिंग एन एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये अब ये जो इंसिडेंट आर टू ये हो गया था विथ नॉर्मल एम वन एम टू आपके बनाओ दिस इज एम टू एंड आफ्टर कमिंग आउटसाइड फ्रॉम डेंसर टू रियर दिस is called emergent ray is making an angle of emergence, angle of emergence आपका बना रही है आपका ना तो कहते हैं सर e e, तो now okay बने now the refractive index of another of kya hoga medium with respect to medium now the refractive index of ab aapko kya ho jayega a refractive index of medium air to medium glass and 1 2 ho jayega aise likhiye ye aapka 1 2 aise bhi likh sakte hain equal to अपना साइन आर टू अपॉन साइन ई, ये देखो अपना ये आपका वही बाय स्नेल्स लॉ, क्लियर हो गया सर, तो ना कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू इसको वन और टू को आप कंपेयर करो आपको क्या मिलता है सर आपका नाते से नहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे बढ़ो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया तो नाम क्या बता व्हाट ना साइन आई अपॉन ना साइन आर वन इक्वल टू साइन आर टू अपॉन साइन जरा चेक करें कहीं गड़बड़ तो नहीं है चेक कर लीजिए नहीं देखो गड़बड़ नहीं है लेकिन देखो कंपेयर कब होता है व्हेन वी कैन कंपेयर व्हेन बोथ द थिंग्स आर सेम यहां पे क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या ऑफ आपका क्या वन विद रिस्पेक्ट टू टू वन अब आपका देखो ये जब इसको करेंगे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू वन करेंगे एन टू वन हो जाएगा इक्वल टू अब ये क्या हो जाएगा साइन ई अपॉन साइन ये नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू फॉर ए क्या बोला था मैंने एन टू वन नीटा टू वन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इक्वल देन विल पुट द साइन आई
over, now देखो this one, sin R1 equal to sin, अब देखो, E over sin R2. ये देखिए, N1, N2, M1, M2 समझ लीजिएगा. तो अब मैथ वाले तो देखो, N1, N2 is parallel to M1, M2. ये आपका R1 है और ये आपका R2 है. तो ये आप ऐसे करते हैं, इसके ये ऐसे क्या, ये आपका क्या होगा, साइन आर वन इज इक्वल टू साइन आर टू हो जाएगा. तो क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स. हो गया सर, क्लियर है? नहीं नहीं, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, तो आप बताइए ना. इसके मतलब मैथ की आपको नॉलेज नहीं होगी, लोग कहेंगे मैंने गलत पढ़ा दिया. दिस इज नॉट ऑल्टरनेट. वन ट्रांसवर्सल लाइन आपका इंटरसेक्टेड बाय द टू, तो दिस इज टू आर द करस्पॉन्डिंग एंगल. ये आपका कैंसिल हो गया. तो साइन आर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, साइन आर वन आर टू कैंसिल हो गए. ये करेस्पॉन्डेंस एंगल हो गया. व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्स, ऐसे क्या, तो करेस्पॉन्डेंस एंगल हो गया. मैथमेटिक्स भी घुस गई आपके. देखो आप पीछे इसका बात, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंट. ठीक है, ये हो गया. सुना दो, डियर फोर अपना इंसिडेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू इमर्जेंट. कभी किसी ने पूछ दिया कि भाई प्रूफ करके दिखाओ, स्मिथ्स लॉ से आपका नाम, प्लीज डू इट. तो क्लियर हो गया सर, आपको कोई दिक्कत हो तो बताइए. हैंस इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर. और ये मैंने वो जो बच्चे ने पूछा ना दिल्ली वाले ने, तो ये भी आपको देखो क्लियर कर दिया. प्लीज डू इट. इसका एक वीडियो यहीं पे रोक देते और